अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी कोई वीडियो एंड तक देखी है ना देखी हो, इस वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ एक बहुत बड़े डंप जो मार्केट के अंदर मुझे नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर उसके लिहाज से एक डंप मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक डंप आने वाला है। और वो एक लास्ट बेयर मार्केट का जो एक झटका होता है ना, जो आखिरी डंप होता है, मुझे वो डंप लग रहा है ये। और फिर इसके बाद हम लोग मार्केट के अंदर रिकवरी देखना स्टार्ट करेंगे। और एक सेंटीमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि हर बेयर मार्केट के अंदर सेम होता है, जिसके बाद एकदम से बुल रन आ जाता है। और वो कब आ जाता है, वही सिम्टम्स मुझे नजर आ रहे हैं और वो कहां किस पॉइंट से नजर आ रहे हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यहां से कर लो, क्योंकि कल रात को 12 बजे हम लोगों ने बिटकॉइन के अपडेट दिए थे, जब बिटकॉइन यहां पर ट्रेड हो रहा था 29,800 वाले डॉलर में, ठीक है, 29,700 वाले डॉलर वाले एरिया में, तो हमने कहा था डाउन ट्रेंड इसके अंदर एक बन रहा है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग एक डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28,600 तक, और यहीं पर हमारे पास सपोर्ट होता है। एक्जैक्टली वहां तक हमारे पास डंप आया, कल लोगों ने शॉर्ट भी किया, और शॉर्ट पे लोगों ने जिन्होंने 3.5 और जिन्होंने कल 5x एवरेज लिया, उन्होंने 15% तक जो है वो प्रॉफिट बनाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और अभी की बिटकॉइन की अगर हम शॉर्ट टर्म अपडेट्स के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे देखो इसने सपोर्ट से एक बाउंस लिया है, जो कि बाउंस एक काफी अच्छा बाउंस लिया है। एक स्क्वीज था यहाँ पे, लॉन्ग था, मैंने ये वीडियो को बताना था लेकिन मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई, ठीक है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा मसरूफ था आज के दिन। तो यहाँ से हमारे पास एक पंप आया, ठीक है, अभी इस पंप के साथ मैं ट्रैप नहीं होना, ठीक है, क्योंकि एक एरिया अगर वो जब तक ब्रेक नहीं होता, अभी भी अगर पंप भी आता ना, तो मैं शॉर्ट टर्म पंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि शायद मे बी हमारे पास जा सकता है 30,400-30,500 तक। वो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ना एक ये फॉलिंग वेज टाइप का चैनल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसने एक पंप लिया है, पंप लेने के बाद मुझे लगता है यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हो उस पर बाय करना, अभी बाय नहीं करना, मैंने अभी बाय करने को किसी को नहीं कहा है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट के बाद आप बाय करके 29,500 पे आप बाय करके यहाँ तक आपकी जो टीपी वो आ जाए, आप यहाँ पे इसको सेल कर देना, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के बारे में बात है, वरना यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा सिनेरियो आ जाता है वो ये वाला आ जाता है, यहाँ से हम वापस एक अपनी पोजीशन लॉन्ग की ओपन करोगे। जब बिटकॉइन आपको इतने जोन में मिलता रहा, बार बार खरीदो, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, यहां से इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा 30,500, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहां तक शायद हम जा सकते हैं, ठीक है, आज के दिन। तो इस बीच में ऑल्ट्स में भी एक पंप आएगा। अब चलते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म मार्केट अपडेट्स की तरफ और क्या सिचुएशन है मार्केट की, जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आप दो, ये जो टोटल है, ठीक है, ये टोटल है, ये वो चीज बता रही है जो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस वक्त हमारे पास जो है वो टोटल पैसा मौजूद है, ठीक है। जो टोटल इस वक्त पैसा कितना बिटकॉइन की मार्केट के अंदर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो नवंबर की, ठीक है, नवंबर में यहाँ पे हम थे जिसमें हमारे पास मार्केट के अंदर 2.99 ट्रिलियन, मतलब ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन तक पैसा जो था वो मार्केट के अंदर लगा था, जब बिटकॉइन $69,000 पे चला गया था, कुछ एक्सचेंजेस में $71,000 को भी इसने टच किया था। बट अगर हम बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो वो 50% से भी डाउन चुका है, और मार्केट कैप जो है हमारे पास $1.2 ट्रिलियन है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और इस वक्त अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो वो अपनी अब तक की सबसे मजबूत सपोर्ट पर आके पहुंच गया है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, मतलब ये टूटता है, तो हमारे पास सबसे पहला जो जोन आ जाता है वो जो मार्केट कैप होगा वो सीधा सीधा आके घिरेगा $900 बिलियन पर, ठीक है, जो कि टोटल पैसा होगा मार्केट का, जो एक वक्त में 3 ट्रिलियन हुआ करता था, वो आके समझ लो दो हिस्सों में घिर जाएगा, ठीक है, मतलब 3 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन भी नहीं रहेगा, और ये 900 बिलियन तक आ सकते हैं। और सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हुई तो हम इसको 720-750 बिलियन भी देख सकते हैं, जो कि सिचुएशन 2017 के अंदर हमारी थी। अगर यहाँ पे जाता है तो बिटकॉइन आपको $19,000 पे देखने को मिल सकता है, और दूसरे जो ऑल्ट्स होंगे उनके अंदर आपको वही डंप नजर आएगा जो उनकी प्राइस 2017 के अंदर थी। तो अगर हम बात करें कि इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस कितने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है टोटल मार्केट कैप ऑल्ट्स का बिटकॉइन को हटा के। तो अगर यहाँ पे भी हमारे पास देखो सब, ये भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी लास्ट सपोर्ट के बारे में अगर बात हो जाए तो ये वाला जोन बन जाता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, जैसे 600 बिलियन को अगर ये ब्रेक डाउन करता है और क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर बहुत बुरे हालात होंगे। हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर जो है वो 30% उसका मार्केट कैप निकलेगा। हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर 40-50% तक डंप आ सकता है, क्योंकि जब भी बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर डंप आता है। अगर मैं आपको बीटीसी की डिमांड पर ले जाऊं, ठीक है, इस वक्त सो यहाँ पे बिटकॉइन की, सॉरी मैंने डीटीसी लिख दिया, आई एम सॉरी, ओके, तो यहाँ पे हम चलेगा बिटकॉइन की डिमांड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिटकॉइन की डिमांड देखो कितनी तेजी से बढ़ी, यहाँ पे क्या हुआ, अपने डाउन ट्रेंड चैनल का जो वो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट ली, ठीक है, उसी वही रिट्रेसमेंट देखो ऐसी होती है, रिट्रेसमेंट ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट ली, देन पंप, ये चीज मैं आपको बिटकॉइन के अंदर करने का बोल रहा हूँ। अभी इसकी एक हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक है, डोमिनेंस की, डोमिनेंस मतलब बिटकॉइन की डिमांड जितनी बढ़ेगी ऑल्टकॉइन की डिमांड उतनी घिरेगी, और जब उनकी डिमांड घिरेगी तो उनसे जो पैसा है वो निकल जाएगा और ये अपनी सपोर्ट को जो है वो तोड़ देंगे। तो अभी बीटीसी डिमांड को क्या चाहिए, अगर मार्केट को सस्टेन रहना है, स्टेबल रहना है, तो बीटीसी डोमिनेंस को क्या चाहिए कि वो यहाँ से रिजेक्शन ले लेगी। मुझे जब भी ऐसे ब्रेकआउट होते हैं
तो उसका टारगेट यहीं तक होता है। और अगर हमारे पास अगर ये वाला एरिया जाता है 47,000 वाला एरिया जो रेजिस्टेंस है वर्क करिए टूट जाती है, उसके बाद 50 भी टूट जाती है, 50 के बाद एक मेन एरिया बन जाता है, तो फिर हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर मोर देन 30-40% तक का जो डंप है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एरिया जो है अगर ये ब्रेक होते हैं तो ऑल्ट्स में एक बहुत बड़ा डंप आएगा। सो वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी समझो या आप उसको प्रेशर मार्केट सेल ना करो, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको अभी से पार्ट्स पे बाइंग करना स्टार्ट कर दो। अभी आपके पास अगर $1,000 पड़े तो $250-$300 लगा दो, ठीक है, ताकि अगर मार्केट ना ऊपर भी चले जाए तो भी आपको दुख ना हो, वरना आपका नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो 24,000-26,000 भी रहेगा। अब बात करते हैं यूएसडी की डोमिनेंस के बारे में। यूएसडी की डोमिनेंस से बड़ा वो डोमिनेंस होती है, देखो इसके अंदर एक और चीज़ बन रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएसडी की डोमिनेंस मतलब लोगों के वॉलेट में यूएसडी की डिमांड का पड़ना, मतलब लोग अपना क्रिप्टो बेचकर जब अपने वॉलेट के अंदर यूएसडी रखना स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। अगर हम बात करें बुल रन की, ठीक है, तो लास्ट टाइम जब बुल रन आया था नवंबर के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हो जब नवंबर के अंदर हमारे पास बुल रन आया था, ठीक है, तो यूएसडी की जो डिमांड थी वो कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 2.46% और बिटकॉइन 70,000 रुपए था। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ती गई बिटकॉइन उतना ही क्रैश करता गया और आज बिटकॉइन की जो यूएसडी की डिमांड है वो वहां से 200% तक जो वो बढ़ चुकी है, बिटकॉइन के अंदर क्रैश ही है अभी तक मार्केट की रही है। अगर हम बात करें यूएसडी की डिमांड के बारे में तो ये एक हमारे पास बुलिश पेनेंट बना रही है, ठीक है, बुलिश पेनेंट मतलब मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन यूएसडी की डिमांड इससे बढ़ेगी। ये एक पैटर्न होता है, देखो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको वो भी दिखा दूं, क्या नाम है, इसकी एग्जांपल इमेज दिखा दूं, इससे मेरे चैनल का सबसे बेहतरीन फायदा यही है कि आप जब भी मेरे चैनल पर आते हैं कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। देखिए बुलिश पेनेंट कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्लीन एग्जांपल इमेज यहाँ पे दिखा दी, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल इमेज दिखा दी, ये देखिए आप एग्जांपल इमेज आपके पास और एग्जैक्टली इस तरीके से बन रहा है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हमारे पास उतना ही पंप आएगा जितना हमारे पास यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था बुलिश पेनेंट, तो हमारे पास अगर इतना पंप आता है तो यूएसडी की डोमिनेंस को हम देख सकते हैं 9.10-8.8% तक आपको जाता हुआ देख सकते हैं। और जितना ही यहाँ पे इसके अंदर पंप आएगा उतना ही पूरी टोटल कैप के अंदर डंप आएगा। तो यहाँ पे अगर 46% का पंप आता है तो क्रिप्टो के टोटल जो मार्केट कैप होगी वो घिर के जब यूएसडी में चेंज होगी तो इसके अंदर भी एक डंप आएगा। सो हम एक्सपेक्टिंग अगर इतना ही डंप यहाँ पर आता है तो हम लोग बिटकॉइन के वॉल्यूम पूरी मार्केट के वॉल्यूम को 700 बिलियन पर देख सकते हैं। बिटकॉइन आपको $19,000 में मिलेगा और इसमें आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की सेल देखने को मिलेगी। आज हमारी लाइव स्ट्रीम होगी यूट्यूब पर, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस के भी आंसर किए जाएंगे, आपको लाइव सिग्नल दिए जाएंगे, कुछ थे बिटकॉइन के अपडेट्स। और हम लोग बहुत जल्द अपना प्रीमियम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके डेमो आपको हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट्स वगैरह वर्क करते हैं, तो बने रहें। बस एक आज की कुछ बिटकॉइन की अपडेट्स थी। अपने ट्रेड्स को मैनेज करें, स्टॉप लॉस लगा लें अगर आप फंसना नहीं चाहते, आपके पास फंड्स हैं तो नीचे से डीसीए कीजिएगा, अभी सब पार्ट्स में बाइंग करना जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरे 3 बाइंग जोन होंगे अगर मैं आपको बात करूं बिटकॉइन के बारे में, तो जब सबसे पहला जोन होगा यहाँ पे, ये एक चीज और मैंने बनाई है लेकिन इस चीज को मैं आज यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, इस चीज को मैं बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, बल्कि मैं दूसरे चार्ट की तरफ आपको ले जाता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने एक सेटिंग की हुई है वो मैं आपको दिखाना। देखो जो मेरी पहली बाइंग जोन है, ठीक है, वो ये वाला होगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने पोर्टफोलियो का 25-30% जो है एरिया वो इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से ब्रेक डाउन करता है मेरी जो नेक्स्ट बाइंग होगी वो 50% की होगी $19,000 वाले एरिया पे। और अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो आते तो बिटकॉइन शायद आपको $13,000-$14,000 तक भी जाने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं अपनी रिमेनिंग यूएसडी की जो है वो बाइंग यहाँ पे परचेसिंग जो है वो करूंगा। एक वक्त में जब 70,000 रुपए था तब लोगों को नहीं लगता था कि बिटकॉइन 30,000 पर आएगा, लेकिन उस वक्त ही मैंने कहा था जब बिटकॉइन यहाँ पे 48 पे था कि अब तैयार हो जाओ बिटकॉइन गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है हमारे पास बेयर फ्लैग और रमजान हो, सब मेरे चैनल के बारे में जानते हो। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।